हेलो एवरीवन, फ्री के चक्कर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने कैरियर को बिल्कुल स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और कुल्हाड़ी अपने पैर पे अपने से रोज मारते हैं। आप कहोगे क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इतना ही मुझे पता है, इसके बाहर भी ग्रुप हो सकते हैं। अब उसमें जहां जहां फ्री है खोलो, बस एंट्री खुलती नहीं है उसके अंदर, सब चले जाते हैं। ठीक है, इधर से मैटर उधर से मैटर कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है ये साल दो साल तीन साल के बाद आपको पता चलेगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, यानी हमारी क्षमता ही नहीं है जो चार पांच किताब है उसको बार बार पढ़ने की। और ये 2000 5000 और 20000 पेज का जो पीडीएफ अपने फोन में या लैपटॉप में जमा कर लेते हैं, क्या इससे कुछ हो सकता है? तो इसका सीधा जवाब है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप अपना नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं हो सकते, आप वेल प्लान नहीं कर सकते, तब तक आपके ऊपर बोझ आ जाएगा। इसीलिए अगर अब यहां पे आप कहोगे कि फिर किसको ज्वाइन करें, आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उससे मुझे नहीं है, जो ग्रुप सही है उसको ज्वाइन कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक दो तीन बहुत हो गया, उसके बाद आपको तब भी कमी लगती है तो आप खुद से एफर्ट कीजिए ना। और आप किस तरह के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप उसी तरह के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो अगर आपसे 1000 रुपए भी मांगे और आपको लगता है कि हम इसको 1000 रुपए देकर भी ज्वाइन कर सकते थे, इतना अच्छा ग्रुप है, तब उसको ज्वाइन कीजिए। इसलिए नहीं ज्वाइन कर लीजिए कि वो फ्री में, कोई ग्रुप अगर फ्री में भी है तब भी उसके जांचने का प्रक्रिया सिंपल मैं बताता हूं, बहुत ज्यादा तो करने की जरूरत है नहीं। सिंपल तरीका यह है कि अगर वो फ्री वाला ग्रुप आपसे 1000 रुपया भी मांग रहा होता, तब भी उसके अंदर कंटेंट में इतना दम है कि आप 1000 रुपया देना चाहते, अगर आपको लगता है इस स्थिति में भी आप उसको रुपया दे देते तो वो ग्रुप आपके लिए सही है। ऐसे दो या तीन, मैक्सिमम दो या तीन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ये जितना भी फ्री के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हो ना, सारा मेटेरियल कलेक्ट कर लेंगे और होगा कुछ नहीं, ये गारंटी है, लिख के रख लो, जहां लिखना है लिख के रख लीजिए। अगर इस तरह के पीडीएफ जहां पे कैपेसिटी हमारी दो चार किताबें खत्म हो जाती है, वहां 50-50 हजार पेज का पीडीएफ मोबाइल में जमा कर लेंगे, 20-20 न्यूज़पेपर डेली का जमा कर लेंगे, ये अव्वल दर्जे की बेवकूफी है और कुछ नहीं है। और ये बेवकूफाना हरकत जो भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात लिख के रख लीजिए। तो दो तीन चार वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो लगता है कि इसको हम किसी भी शर्त पे नहीं छोड़ते, तो इस तरह के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वो पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। लेकिन ये जो 75 ग्रुप को ज्वाइन करके खुश हो जाते हो ना, ये खुश नहीं होंगे, आगे जाकर उसका रिजल्ट निगेटिव आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिए और इस तरह की हरकत ना कीजिए। मैं बिल्कुल फेडअप हो चुका हूं, कुछ नंबर मेरे कुछ ग्रुप में नंबर चला गया है, अब वहां पे मैसेज आता रहता है, कई बार बाहर होते हैं फिर कोई डाल देता है नंबर है, तो मतलब अब मुझे खुद कभी कभी मैं खुद ही उसके अंदर रह जाता है। इसीलिए हूं कि देखने के लिए कि स्टूडेंट का इंटेंशन क्या है, वो किस तरह फोकस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये कैरियर आपका जो है ना एकदम से रॉन्ग डायरेक्शन में लेके चला जाएगा, सारा एफर्ट बर्बाद हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाओगे और एकदम भारी नुकसान जिसको कहते हैं ना वो फ्री फोकट में हो जाएगा। तो उससे आप बचिए, संभलिए और सतर्क रहिए, यही कहना था इस वीडियो के अंदर।